फ्रेंड्स, आज मैं पनीर की नई रेसिपी के साथ आई हूँ। पनीर दो प्याजा। दो प्याजा से मतलब है कि एक्चुअली में प्याज को दो बार देना होता है। अगर आपके पास सिर्फ पनीर है घर में, अगर कुछ भी नहीं हो तो भी आप बहुत ही इजी एंड टेस्टी सब्जी तैयार कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स यहाँ दिया हुआ है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। रिफाइंड ऑयल है वो दे रही हूँ। अब मुझे पनीर को फ्राई करना है। मेरा तेल गरम हो गया है, अब मैं पनीर को डीप फ्राई कर लूंगी। पनीर को मैंने स्क्वायर में ही काटा है। ये 200 ग्राम पनीर है। बस इसे बहुत ही रेड नहीं करना है, इसे हल्का गुलाबी ही करना है। इसमें एक मिनट लग जाएंगे इसे फ्राई करने में। ये देखिए पनीर मेरा गुलाबी हो गया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। मैंने गैस का फ्लेम कम ही रखा है। इस तरीके से सारे को निकाल लेना है। ये देखिए अब जो तेल बच रहा है उसमें मैंने ये प्याज को इस तरीके से निकाल लिया है, चार भाग में काट कर। अब मैं इसे भी हल्का इसे भी फ्राई कर लूंगी। ये देखिए प्याज भी मेरा गुलाबी हो गया है। बस प्याज के मॉइस्चर है उसको निकल जाना है। ये देखिए अब मैं इसे भी निकाल ले रही हूँ। बस जितना तेल बचा है उसमें मैं हाफ टी स्पून जीरा है वो डाल दे रही हूँ। एक तेज पत्ता है। अब मैं ये देखिए इसमें मैं प्याज मैंने जो चॉप किया है इसे आप प्याज को आप अगर चाहते हो तो ग्रेट भी कर लेना। मैंने तो इसमें चॉप किया है, आप ग्रेट भी कर सकते हो। ये देखिए प्याज भी गुलाबी हो गया है। अब मैं इसमें एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल रही हूँ। इसे भी हाफ मिनट भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रहेगा। अब इसमें हाफ टी स्पून हल्दी दे रही हूँ। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर, ये देखिए सभी को अभी हाफ मिनट और फ्राई करूंगी। ये देखिए बहुत अच्छा फ्राई हो गया है। अब इसमें ये टमाटर की प्यूरी है जिसे मैंने ग्रेट करके रखा है। आप चाहते हो तो फिर गैस प्यूरी का भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने तो ग्रेट कर लिया है। इसे हाफ मिनट भूनती हूँ। ये देखिए मसाला भी तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें काजू और खसखस जिसे पोस्ता दाना भी कहते हैं उसको मैंने मतलब मैंने मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। एकदम परफेक्ट कलर आ रहा है। अब इसे 2 मिनट के लिए मैं इसको ढककर छोड़ दूंगी। अभी इसमें थोड़ा पानी दे रही हूँ, लगभग 2-2.5 चम्मच के बराबर। ये देखिए
और मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। ये देखिए मेरा 2 मिनट हो गया है, मसाला भी बहुत पक गया है इसमें, कुछ और थोड़ी देर अभी और पकाना है। अब मैं इसमें नमक दे रही हूँ, एक हरी मिर्च ली थी उसको मैंने ऐसे बीच से चीरा लगा दिया है, वो डाल दे रही हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें पनीर डाल दे रही हूँ, पनीर के साथ प्याज है वो प्याज भी डाल दे रही हूँ। वन टीस्पून कसूरी मेथी है उसको हाथ से ऐसे रगड़ कर उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए। अब कसूरी मेथी की भी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी दे रही हूँ, टोटल हाफ कप पानी हो गया। अब मैं इसे फिर ढक दूंगी, लगभग 3 मिनट के लिए फिर ढक दूंगी, गैस सिम पर ही रहेगा। देखिए लगभग 2-2.5 मिनट हो गया है मेरा। अब मैं इसे देखिए, अब इसमें मैं किचन किंग मसाला है वो थोड़ा डाल दे रही हूँ, थोड़ा गरम मसाला है वो डाल रही हूँ, सारे को आप मिला लीजिए। बस अब 1 मिनट और पकाऊंगी ढककर। अब मेरा 1 मिनट हो गया है, ये देखिए इसमें से तेल भी अलग हो रहे हैं। अब मैं इसे धनिया पत्ती के साथ धनिया पत्ती दे देती हूँ। गैस बंद कर देती हूँ, बस 5 मिनट इसे आप इसी तरह ढके रखिए, फिर ये परोसने के लिए तैयार हो जाएगा। 5 मिनट हो गया है, मेरी सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब आप इसे खाइए और मजा लीजिए, इसे रोटी और नान के साथ आप खा सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।